चलो अब हम बात करते हैं बच्चा किसकी। एक टॉपिक हमने छूट गया, लास्ट टाइम मैंने कराया था क्या आपको, टेंजेंट कैल्विनोमीटर कराया था क्या या मूविंग कैल्विनोमीटर? नो सर। चलो करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसान। इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसेप्ट बता देता हूं, लिखना मत कुछ भी, ठीक है जी। इसकी फोटो भेज दूंगा, जो आपको लिखना ना, चिपा मारना ना, जो आपको वो देख लेना। मूविंग कॉइल फोटो भेज दूंगा, किताब है मेरे पास, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। ये पांच नंबर पूछा जाता है मेनली, जो उल्टी करके आना ना इसमें, वो थ्योरी तुम्हें भेज दूंगा। तो होता क्या है इसके अंदर बच्चा, गंजू पढ़ा था हम लोगों ने, याद है गंजू? यस सर। गंजू करंट को डिटेक्ट करता था बेसिकली, ठीक है। तो उससे पहले तुम्हें याद दिलाता हूं, मैंने बताया एक मैग्नेटिक मोमेंट नाम की बात की थी मैंने, मैग्नेटिक मोमेंट एम कराया था, याद है? अरे कैपिटल एम कराया था। यस सर। कैपिटल एम कराया था, कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है, मान लो उसमें करंट आई है ऐसे मान लो, और टर्न्स इसमें एन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था बच्चे? एन आई आई एन ए ए मीना, मीना याद रख लो मीना, ठीक है बच्चा। तो अब जब हमने बात की थी पता लग जाएगा कि हमने एक्सप्रेशन दे कि सर जो आप क्वेश्चन भेजते हो वो उनका डिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन है, वो तो भेज क्या लिखा है यार, उसके सॉल्यूशंस भेज दूं क्या? अच्छा भेज दूं पक्का, सौ पॉइंट भेज दूं, सॉल्यूशन पूरी बुक सॉल्व होती है तो भेज दूं, कोई दिक्कत नहीं, बट सॉल्यूशन गलत होता है बता रहा हूं, उसमें प्योर रट्टा मत मारना, लॉजिकली करना काम उसमें, ठीक है जी। आंसर आंसर के लिए आंसर गलत होते हैं बच्चा, इसमें बता रहा हूँ, दो चार प्रॉब्लम ऐसे ज्यादा नहीं होते, मतलब ये मानो 98% तो वो सही है, 2% गलती उसमें हो सकती है, ठीक है जी। तो ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत करना। तो एम इज इक्वल टू आई एन ए मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बताया था मैंने आपको, और मैंने ये बताया था टॉर्क जो था बच्चा आपके पास, टॉर्क क्या फॉर्मूला क्या था, एम क्रॉस बी, याद आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। मैंने बताया था टॉर्क जो था डायपोल पे था वो पी क्रॉस ई था, इसका कंजुगेट बताया था मैंने, वो था एम क्रॉस बी, याद आ रहा है कुछ कुछ? यस। ठीक है, तो सिंपल फंडा क्या है, ये बेस पता किस पे है कि अगर एक कॉइल रख दूंगा, कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा, कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दूं तो टॉर्क लगेगी उसपे। यस सर। पता होता कैसे, जैसे अपन ने वहां पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी और एक अपने पास डायपोल होती थी ऐसे पॉजिटिव वाली और एक होती थी नेगेटिव वाली, ठीक है जी, सॉरी नेगेटिव यहाँ पे और पॉजिटिव यहाँ पे, तो ये किधर घूमती थी बच्चा, किस तरफ आता? नीचे घूम जाएगी कैसे, मतलब पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव वाला फील्ड की तरफ होता था बेसिकली, ठीक है जी। वैसे ना इसमें दो पोल होते हैं अपने मैग्नेटिज्म में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, याद है नॉर्थ की अंटियां बाहर घूमती हैं वैसे, तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड रख दूं और मेरे पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है तो ये कैसे अलाइन होंगे, नॉर्थ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो जाएगा, ठीक है बच्चा? ओके सर। तो नॉर्थ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये लाइन याद रखना, नॉर्थ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। अब एक बात, तो जो ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट था, ये वेक्टर था स्केलर था? बताओ, वेक्टर था ना, इसकी डायरेक्शन क्या थी? बोलो भाई। नहीं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कहां से आ गया, पागल हो गया तुम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट कर रहा हूं मैं, डक्कन सिंह आंटी अंकल देखो करंट कैसा है, करंट कैसा है, ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है मतलब अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ है, ठीक है जी, इसके बोर्ड के 90 पे लेकिन अंदर की तरफ, करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, तो है तो बोर्ड के 90 पे, बोर्ड के 90 पे अंदर की तरफ यानी जेड की तरफ, यानी नेगेटिव जेड बोलूं, हां ना बोलो? यस सर। ठीक है, अब पता क्या है, मुझे
जो अपना ये मूविंग कॉइल कैलोमीटर है ना, उसमें क्या लेते हैं, कॉइल लेते हैं, उस कॉइल के एन टर्न्स करते हैं। एन क्यों करते हैं, कोई रीजन स्पेसिफिक? एक से काम चलता है क्या? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एन से क्या बढ़ेगा, एन बढ़ाओ तो क्या बढ़ता है? मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा ना। करना क्या था, गंजू की सुई घुमाना था, याद है? करंट आया तो गंजू की सुई ऐसे घुमानी है। घुमाने के लिए क्या चाहिए होता है, टॉर्क, मानते हो? बेसिक लॉजिक क्या है कि जब भी किसी कॉइल को रखते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर टॉर्क लगती है। उस टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है मेरे पास, एम क्रॉस बी होता है। एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, उसका फॉर्मूला क्या है, मीना। एम इज इक्वल टू आई एन ए, आई क्या है करंट इन लूप, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, और ए क्या है इसमें एरिया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब मेरे को दो चीज चाहिए, ठीक है? अगर मान लो टॉर्क लग रही है, जैसे मैंने मेरी उंगली दिख रही है आपको, ये इस पे टॉर्क लगाऊंगा तो ये लगातार घूमती रहेगी, रुकेगी नहीं। अगर मैं किसी पार्टिकल ले लिया, माने एक पार्टिकल लिया, धक्का मार दिया, फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या कभी रुकेगा वो? नो सर, नहीं रुकेगा ना बच्चा, मानते हो? चलता रहेगा अनंत तक, ठीक है? तो अब अगर टॉर्क लग रही है तो मान लो गंजू में करंट आया, करंट आ गया और वो सुई घूमती रही घूमती रही, तो फायदा नहीं है, करंट नाप पाएगी वो कभी? No. तो रोकना भी तो चाहिए। तो टॉर्क घुमाने का काम तो कर रहा है, लेकिन एक ऐसी चीज भी चाहिए जो उसको फिक्स जगह जाकर रुकवा दे कि 5 mA आया तो यहाँ रुक जाए, 10 आए तो यहाँ। तो मुझे क्या चाहिए, टॉर्क भी चाहिए, लेकिन ऐसी टॉर्क चाहिए जो लीनियर हो, ऐसा ना हो कि स्क्वायर स्क्वायर फंडा हो, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. एक टॉर्क चाहिए, एक रोकने वाला बंदा चाहिए, और टॉर्क भी ऐसी चाहिए जो यूनिफॉर्म हो, कि एक आए तो मान लो एक के लिए 5 डिग्री घूमता है तो 2 के लिए 10 घूमे, 2 के लिए 12 ना घूमे, ऐसा लीनियर रिलेशन चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इन सबको पहले रिक्वायरमेंट समझ लिया, हमें क्या क्या चाहिए, तो उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करें बच्चा। क्लियर कर दूं बच्चा इसको, या नेक्स्ट सीट पे बोलो, क्लियर कर दूं? कर दो। मैं भेज दूंगा बच्चा, फोटो पक्का भेज दूंगा, जो ना उल्टी करके आने बच्चा को भेज दूंगा, ठीक है जी? समझ लो बस, यहाँ अभी 5 मिनट भेज दूंगा, मतलब क्लास के बाद। तो होता क्या है बच्चा, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है जी? ऐसे कुछ दो बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? दो बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रो मैग्नेट बनाते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो कि ना करंट पास करके इसको मैग्नेटाइज करते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेट बोले तो, कि इस मटेरियल के थ्रू हम करंट पास करते हैं, करंट पास करके इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराते हैं। तो देखो मुझे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो करानी थी, क्योंकि मुझे टॉर्क लगाना है, तो मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए। तो कहीं पे भी नॉर्थ मान लो, कहीं पे भी, एक को नॉर्थ और एक को साउथ मान लो, तो ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा बच्चा। Yes. अब इसकी शेप yes. जो ली है ना, वो सिलेंड्रिकल लेते हैं, क्या लेते हैं, देखा ना सिलेंडर शेप में है, इनको जोड़ दो तो सिलेंडर बन जाएगा ऐसे। yes, तो ये शेप इसकी ऐसे, इसके पीछे भी कारण है बच्चा क्यों लेते हैं। अब इसके बीच में लूप तो रखना पड़ेगा बच्चा, तो एक रेक्टेंगुलर लूप रखते हैं, क्या रखते हैं, रेक्टेंगुलर लूप रखते हैं ऐसे, और इसके बहुत सारे टर्न बनाने आप ऐसे। मेरी तो ड्राइंग गंदी है, तुम ढंग से बना दोगे 3-4 ऐसे टर्न टून से बना दोगे? यस सर, यस सर। अच्छा, और इसको अटैच कर देना एक सुई, सुई जैसे यहाँ पे रस्सी अटैच करके सुई अटैच कर देना ऐसे, ठीक है जी? तो जब ये घूमेगा तो सुई भी घूमेगी बच्चा, मेरी ड्राइंग गंदी है। और नीचे नीचे क्या लगाते हैं, स्प्रिंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्प्रिंग ऐसे, ठीक है? अब क्या होता है फंडा, कि जैसे ही यहां से अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बच्चा, नॉर्थ से बाहर निकलती लाइनें और साउथ के अंदर जाती है, आना बोलो? यस सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर, बी प्रोड्यूस कर दी। अब ये जो फील्ड है ना, जैसे ऐसे एग्जांपल सुनो, तो जैसे मेरा ये सेल फोन दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर है ना बच्चा, ये लूप मान लो, तो फील्ड इसके ऐसे होती है रेडियल, मतलब इसके ऐसे सरफेस को ऐसे टच करते हुए निकलेगी बच्चा, ठीक है जी? बात समझ में आ रही है?
यस सर। फील्ड रेडियल रहे भाई, सिलेंड्रिकल तो रेडियल रेडियल यूज करेगा, रेडियल होगा तो इसके फील्ड ऐसे होगी। अब बताओ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो तो इसके 90 पे होगा, या तो बाहर या अंदर, खाना बोलो। यस ठीक है जी। तो हमने जान बूझ के सिलेंड्रिकल क्यों रखा, ताकि फील्ड ऐसे रहे, रेडियल रहे, फील्ड इसके ऐसे रहे, और मैग्नेटिक मूवमेंट और फील्ड में कितना एंगल रहे, 90। बात समझ में आ गई, खाना बोलो। यस सर। तो फील्ड को जानबूझ के रेडियल रखा था, ताकि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 रहे। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था पापियों, एम क्रॉस बी। तो एम तो मुझे पता है मीना, आई एन ए इंटू बी कर दू इंटू साइन ऑफ थीटा कर दू, थीटा कितना है इसमें 90। तो बच्चा ये क्या बन जाएगा, साइन 90 क्या होता है, 1। तो ये क्या बन जाएगा, बीना बन जाएगा। yes, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया बीना। ठीक है जी। अब पता है क्या, देखो सुनो, जैसे मान लो मेरा ये मेरा स्प्रिंग था और ये मेरा रेक्टेंगुलर लूप था, ठीक है जी। जब ये घूमेगा ऐसे, जब ये घूमेगा ऐसे, तो स्प्रिंग भी ट्विस्ट होगा, बच्चा ऐसे घूमेगा, खाना बोलो, अटैच कर रखा है, तो स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाएगा एंगल थीटा से। जितने एंगल से ये घूमेगा उतने एंगल से स्प्रिंग घूमेगा। तो मान लो टॉर्क के कारण वो घूमा थीटा, टॉर्क के कारण वो घूम गया थीटा, तो जो स्प्रिंग का जो आपको याद हो अगर फोर्स होता था बेसिकली वो था के एक्स। फोर्स होता था के एक्स मेरे पास, और टॉर्क क्या होता था के थीटा, क्या होता था के थीटा। एक्स के कितना मैंने एंगल कर दिया बच्चा, हाँ ना बोलो। yes, इस टॉर्क का काम क्या है, जो टॉर्क नीचे लग रही है स्प्रिंग वाली, इसे रोकना भाई, सिंपल सी बात है। इसे बोलते हैं जैसे आप वहां करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स करते थे, ऐसे समय याद है रीस्टोरिंग फोर्स, जो वापस लेके आया इसको, ठीक है जी। तो मान लो करंट बंद कर दिया, गंजू से करंट बंद कर दिया, तो करंट बंद होते क्या बंद हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी, एम एम जीरो हो जाएगा, एम जो है ना मेरा मीना वाला एम वो जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क जीरो हो गया तो गंजू को वापिस लेगा, सुई यहां थी मान लो ऐसे, वापिस लेके आना इस पोजीशन पे, तो वापिस कौन लेके आएगा, स्प्रिंग का जो टॉर्क है ना के थीटा वाला, वो वापिस लेके आएगा। बात समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क, क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली शायद तुम्हें समझ में आ भी जाए। तो शुरुआत में कौन सी फोर्स, कौन सा टॉर्क होगा आपके पास, मैग्नेटिक मोमेंट वाला या स्प्रिंग वाला, मैग्नेटिक मोमेंट वाला। धीरे धीरे वो घूमेगा, घूमेगा तो एक और टॉर्क पैदा हो जाएगा, कौन सा, स्प्रिंग वाला, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, अपोजिट में लग रहे हैं, अपोजिट में लगेंगे तभी तो रुकेगा, सिंपल सी बात है। तो शुरुआत में मेरा कौन बड़ा है, मैग्नेटिक वाला, जैसे ही वो ट्विस्ट हुआ थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क बढ़ेगा, तो एक ऐसा मोमेंट आएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, हाँ ना बोलो। उस मोमेंट पे सुई यहाँ थी मान लो, उस मोमेंट पे यहाँ इस पॉइंट पे दोनों के टॉर्क बराबर हो गए, तो यहाँ जाके रुक जाएगा, हाँ ना बोलो। तो ये क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ये थीटा जो है बेसिकली वो थीटा जिस पे दोनों के टॉर्क बराबर हो गए वो रीडिंग दिखाएगा। हाँ जी, फिर से पंगा होएगा आज नेट में। हेलो। यस सर। अच्छा आ गया, ठीक है, मैं कह आज फिर पंगा होगा नेट में, कल तो मैं रीज लिया तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही थी, ठीक है जी। चलो, तो एट इक्विलिब्रियम क्या लिख रहा हूं मैं, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, दोनों के टॉर्क बराबर हो जाएंगे, तो उसका टॉर्क तो कितना है बीना, एक का टॉर्क तो है बीना, दूसरे का टॉर्क कितना है मेरे पास, के थीटा, के थीटा, ठीक है जी। अब मुझे क्या शो करना होता है, देखो ये थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बीना बाय के,
हाँ ना बोल। Yes sir। अब देखो B हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स हमने कांस्टेंट रखे हुए हैं, A कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट, स्प्रिंग की तो एक ही स्प्रिंग है मेरे पास, हुई बदल तो रहा नहीं वो, तो इससे मैंने क्या शो कर दिया कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई या आई इज प्रोपोर्शनल थीटा। बात तो एक ही है, जितना ज्यादा करंट उतना ही मेरे पास थीटा आएगा, तो रिलेशन कैसा आ गया, लीनियर आ गया ना। Yes, sir। तो मेरा एक टारगेट क्या था, लीनियर रखना, कि अगर दो के लिए वो 10 घूम रहा है तो तीन के लिए वो उसी प्रोपोर्शन में घूमे, नहीं ज्यादा ना घूमे, सिंपल सी बात है। तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये इसका प्रिंसिपल है, किसका, किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ ना बोलो। Yes, sir। चलो अब इसमें दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं वो पापी इंसान, ठीक है जी। तो वो पूछते हैं कि रेडियल फील्ड क्यों रखते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों रखते हैं, वो पूछते हैं सीबीएसई वाले आपसे। तो रेडियल फील्ड के कारण थीटा 90 आता है बच्चा, थीटा 90 आता है तो साइन की टर्म नहीं आएगी इसमें, हाँ ना बोलो भाई। साइन वैनिश हो जाएगा बच्चा, मानते हो, अगर साइन वैनिश ना होता तो यहाँ पे मेरे पास साइन आता, मानते हो, कोई भी एंगल होता कुछ तो आता, मानते हो, हाँ ना बोलो। Yes, sir। तो फिर मेरे पास जो है थीटा प्रोपोर्शनल टू आई साइन थीटा आता, ये लीनियर रिलेशन नहीं है, इसका कर्व बनता है फिर, देखो ऐसे वाला, हाँ ना बोलो। Yes, sir। तो इसलिए हम रेडियल फील्ड रखते हैं ताकि क्या रहे मेरे पास, रिलेशन जो रहे थीटा और आई में क्या रहे, लीनियर रिलेशन रहे। बात समझ में आ गई, ये सीबीएसई पूछती है, मैं तुम्हें फोटो भेज दूंगा, ठीक है जी, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए। यहां तक कोई तकलीफ किसी बालक को? नो सर। चलो अब इसमें दो चीजें और पूछते हैं बच्चा, एक तो करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तुम्हें मैंने कराया था पोटेंशियोमीटर में सेंसिटिविटी, याद आ रहा है कुछ? Yes, sir। तो वैसे ही इसकी सेंसिटिविटी है, मतलब छोटा छोटा करंट नाप ले बेसिकली, वही सेंसिटिविटी होती है, ठीक है जी। तो इसको क्लियर कर दूं ड्राइंग को बच्चा? Yes, sir। अब दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज है, टाइम पास है, खास बात नहीं है। मैंने छोड़ कैसे दिया लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं आ रहा यार, करंट सेंसिटिविटी। अब देखो बच्चा मेरे पास जो फॉर्मूला था मेरे पास वो क्या है, मेरे पास देखो थीटा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, बीना बाय के था ना बच्चा, हाँ ना बोलो। Yes। तो बच्चा कितना एंगल घूमा पर यूनिट करंट, कितना एंगल घूमा पर यूनिट करंट, वही सेंसिटिविटी होगी। Yes, sir। थीटा बाय आई मेरी सेंसिटिविटी कहलाएगी। एक मिनट हो गया, लैपटॉप बंद हो जाएगा, ये मैंने चार्जिंग ना भूल गया। चलो तो थीटा पर यूनिट करंट इज डिफाइंड एज करंट सेंसिटिविटी, तो इससे निकाल लें थीटा बाय आई क्या आएगा, NBA याद है, नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी भी, कैसे तुम याद रहेगा, गुड शाबाश, होशियार लड़की है तुम, ठीक है जी। तो तुमने कभी देखा एनबीए वाला गेम, क्या तुमने कभी NBA बाय के। अब वो पूछता है कि यार सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो क्या करो बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दो या ए बढ़ा दो, बस ऐसे आपसे क्या पूछते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी, सर इसमें तो करंट ही आ रहा है, वोल्टेज कैसे निकालें बताओ, थीटा बाय वी, हाँ थीटा बाय वी, वो तो सबको पता, थीटा बाय वी, तो वी क्या, वी कैसे निकालें, वी आई आर, हाँ वेरी गुड, हाँ तो सिंपल है, आर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो वी बनाना है मेरे को, एनबीए बाय तो के तो हाई मेरे पास ये,
वी को मैं क्या लिख दूं, आई आर लिख दूं ना, आना बोलो, तो आर से ऊपर वाली इक्वेशन में आर से दोनों साइड डिवाइड कर दूं, इसको भी और इसको भी, तो ये के आर बन जाएगा, ठीक है जी, और ये भी आई इंटू आर बन जाएगा, तो बेसिकली एन बी ए बाय रणबीर कपूर, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। बात चमक गई है, एन ए कम कर दोगे? यस सर, यस सर। बस ठीक है, ये खत्म हो गया आपका, बस मूविंग कॉइल कैल्विनोमीटर। कुछ था इसमें मुश्किल है या आसान है? ये इजी है, ठीक है, ठीक है, बस बढ़िया है। चलो ये खत्म कर दिया हमने हमारा चैप्टर, ठीक है जी। अब मैंने कल तुम्हारी क्लास तो लग नहीं पाई, तो मैंने बाकी बच्चों को करा दिया अर्थमैनेटिज्म, तो तुम्हारे को संडे को पढ़ा दूं अर्थमैनेटिज्म अलग से, ठीक है सर। अब आगे बढ़ लें बच्चा, या कोई डाउट है तो पूछ लो, तुमने कोई डाउट किए हो तो, कुछ मतलब प्रॉब्लम सॉल्व किए हो तो, वन से लेके बीस तीस जितने भी क्वेश्चन तुमने किए हो उस चैप्टर के, जो तुम्हें मैंने क्वेश्चन भेजे ना बच्चा, कितने क्वेश्चन, ईमानदारी से बोलो, अरे नहीं डांटता पता, ईमानदारी से बोल दो, नो आंसर, तुम डंडे के जोर से काम करते हो, तुम्हें पता लग गया, मेरे पाने फायदे नहीं है, थोड़े बहुत किए से थे, 15 तक किए, चलो ईमानदारी से बढ़ती तुमने, ठीक है, खत्म कर लो बच्चा, फिर ऐसे मेरा काम बढ़ता रहेगा और तुम पीछे रहते रहो, फायदा नहीं है, चलो स्टार्ट कर दो नेक्स्ट चैप्टर क्या फिर मैं, सर चैप्टर स्टार्ट हुआ तो तभी भेज दिया करो डेली 15-15, ठीक है बच्चा, 15-15 पूरे इकट्ठे भेज दूंगा, तुम अपने आप कर लेना, रोज भेजना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हां वो ठीक है सर, पीडीएफ के फॉर्म में भेज दिया करो, हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं बच्चा, अब ये खत्म कर लो, तुम्हारे को मैं 2-3 दिन दे रहा हूं, ठीक है जी, खत्म कर दो पूरा करके डाउट ले लो, एक दिन पूरा डाउट दे दूंगा, ठीक है जी, लेकिन ऐसे कोई बच्चा 8-10 किए, किसी ने 20 किए, वो फिर दिक्कत होती है, किसी ने 20 तक कर लिए, 15 कर लिए, सारे इकट्ठे खत्म कर लो, ये बता देना मेरे को, ठीक है, ये डेडलाइन दूं, कितने क्वेश्चन है इसमें, 100 है, 100 में 2 दिन में बहुत होता है, 50 क्वेश्चन कर लोगे, रिपीटेशन होता है बच्चा, अरे हाँ ना तो बोलो, क्वेश्चन के नाम पे सारे सांस में सबको, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे सर, कर लेंगे, 2 दिन दे रहा हूँ यार, कल क्या है, कल थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे डाउट लेता हूँ, ठीक है, सैटरडे तो कर दोगे आराम से, यस सर, ओके सर, चलो, मुझे ना सबसे ज्यादा नंबर फिजिक्स में चाहिए, मैथ्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी हो तुम्हारा, ठीक है जी, बात समझ में आ गई, कोई नहीं बोल रहा पापियों, चलो नेक्स्ट चैप्टर जो हम कर रहे हैं बच्चा वो कर रहे हैं ईएमआई, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ना बच्चा ये सिंपल सा चैप्टर है, कोई खास इसमें दिक्कत होती नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, 2-3 लेक्चर में खत्म कर दूंगा इसको मैं, ठीक है, तो सिंपल फंडा क्या होता है बच्चा इसमें, कि ये बेस किस पे है, फ्लक्स पे, किस पे बेस है बच्चा, फ्लक्स, कौन से फ्लक्स पे बच्चा, मैग्नेटिक फ्लक्स पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नहीं करते इसमें, वैसे इलेक्ट्रिक आता भी है बट सिलेबस में नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, इस चैप्टर की एक मेन लाइन क्या थी, मेन लाइन थी जब भी किसी क्लोज लूप से फ्लक्स बदलेगा तो उस लूप में ईएमएफ पैदा, फ्लक्स के होने से ईएमएफ नहीं आता, फ्लक्स के बदलने से ईएमएफ आता है, ठीक है जी, फ्लक्स के होने से ईएमएफ नहीं आएगा, फ्लक्स के बदलने से ईएमएफ आएगा, अब फ्लक्स में याद है ना, फ्लक्स क्या था, बी डॉट डी ए या बी डॉट डी एस, आना बोलो, ओपन एरिया क्लोज, सब याद है, ओपन एरिया क्लोज एरिया, ठीक है जी, ओपन एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, बोर्ड के बाहर भी और बोर्ड के अंदर दोनों अलाउड होती है, क्लोज की क्या होती है, सिर्फ बाहर की तरफ, ठीक है जी, याद आ रहा है कुछ, तुम्हारा तो ये पूछता हूँ कि एक लूप है क्लोज लूप, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, एरिया इसका
ए दे रखा है, बताओ कितना ईएमएफ आएगा इसमें? ईएमएफ आएगा नहीं आएगा? बोलो भाई, ईएमएफ आएगा नहीं आएगा? मैग्नेटिक फील्ड तो है इसमें, एरिया भी है। वेरी गुड, पागल बात कर दिए। चेंज नहीं हो रहा फ्लक्स, चेंज नहीं हो रहा। देख देख इसका एरिया वेक्टर तो देख, ये लूप दिख रहा है ना, या तो अंदर होगा या बाहर होगा। मैग्नेटिक फील्ड एंगल तो 0 है, 90 क्यों बोल रही है रविता? मान भाई की देख ले, थीटा तो मेरे पास 0 डिग्री है, तो फ्लक्स तो है लेकिन फ्लक्स बदल नहीं रहा, इसलिए ईएमएफ नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, मैंने तुम्हें 2-3 एग्जांपल दिए थे। मान लो कि एक मेरा ये एरिया था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी और बी बढ़ रही थी, ठीक है जी। एक तो केस ये मेरा 1 था, दूसरा केस 2 था मेरे पास। मान लो एरिया ऐसे था पहले, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, इसको खींच खींच के हमने क्या किया था, बड़ा एरिया बनाया था, ठीक है जी। एक तो ये केस कराया था, तीसरा केस कराया था कि फिरकी जैसे घूमती ना, जैसे ये लूप है, फिरकी इतना ये घूम रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, ठीक है जी। चौथा केस मैंने कराया था, जैसे मान लो एक तो ये वाला केस आया, देखो बच्चा ये है ना, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, दिख रहा है बच्चा आपको, ये ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे घूमना, दोनों फर्क समझ में आ रहा है? यस सर। चौथा केस मैंने ऐसे कराया था कि ये ना ऐसे घूम रहा था ऐसे, ठीक है जी, ओमेगा वाला, बी भी कॉन्स्टेंट, सब कुछ कॉन्स्टेंट था। तो बताओ पहले केस में ईएमएफ आएगी क्या? यस सर। क्यों आएगी? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो बी बदल रहा है, तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आएगा। सेकंड वाले में आएगा, क्यों? ए बढ़ रहा है तो फ्लक्स, ए बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। थर्ड वाले में नहीं आएगा, देखो एरिया वेक्टर भी वैसे ही है ना, तो एरिया वेक्टर बदल रहा ना बी बदल रहा, तो नहीं आएगा, तो ईएमएफ 0 आएगा। फोर्थ वाले में आएगा, देखो पहले तो ये ऐसे था, मान लो ये ऐसे था और फील्ड भी ऐसे, मैग्नेटिक दोनों ऐसे थे, जब ये घूमेगा ऐसे तो इसका एरिया वेक्टर पलट जाएगा। एरिया वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, यहाँ चिपका दो इस पेन को, अगर ये सेल फोन घूमेगा तो ये भी घूमेगा, तो एरिया वेक्टर घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है, तो थीटा बदल रहा है। तो फाई का जो फॉर्मूला था बच्चा मेरे पास, वो क्या था, बी ए कॉस थीटा था बच्चा। तो अगर बी बदलेगा तब भी ईएमएफ आएगी, ए बदलेगा तब भी ईएमएफ आएगी, थीटा बदलेगा तब भी ईएमएफ आएगी ही आएगी। बात समझ में आ गई? और तीनों बदलेंगे तब भी आएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है जी। और कोई नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। बात क्लियर है बच्चा आप लोगों को? यस सर। ठीक है, क्लियर करता हूँ ड्राइंग ये। यस सर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बच्चा, जैसे सबसे पहली चीज देखो मैं तुमसे पूछता हूँ, जैसे ये वाला सिस्टम अगर लूप क्लोज नहीं है, मान लो क्लोज लूप नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मान लो, तो क्या ईएमएफ आएगा? आएगा सर। यस सर। ईएमएफ तो आएगा, करंट नहीं आएगा, ठीक है जी। ईएमएफ तो आएगा ही आएगा, नॉट इक्वल टू करंट, करंट को पूरा क्लोज पाथ चाहिए, क्योंकि क्लोज नहीं है इसलिए करंट नहीं आएगा, ईएमएफ तो फिर भी आएगा, ठीक है। तो अब सिंपल सा फंडा ये था कि हमें दो चीजें निकालनी है भाई, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, तो करंट की डायरेक्शन चाहिए और ईएमएफ की वैल्यू चाहिए। करंट की वैल्यू भी चाहिए हमारे को और क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैंने बताया था कि डायरेक्शन को निकालने के लिए कौन सा लॉ यूज करते थे हम लोग, लेंस लॉ था, याद आ रहा है कुछ कुछ लेंस लॉ नाम? yes, तो तुम्हारा याद है आपको। तो लेंस लॉ क्या कहता था बच्चा, ये कहता है इसे पुट्ठे काम करने हैं, ये मीटिंग एंड, लोग वासियां ले रहे हैं, ठीक है जी। तो बच्चा सुनो, अभी मीटिंग एंड हो रही है, फिर मैं रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी। 40 मिनट होने वाले हैं गरीबों के इनके, चलो।